भी अच्छा हो जाए, ये 5G आ जाए, तो ये दो अगर तुमको लग रहा है कि दिन तो समझ में आ रही थी। तो नेटवर्क स्लो जाने पर तो दिक्कत होगा, वो तो होगा ही, स्वाभाविक है वो होगा। लेकिन ऐसे जो मतलब नेटवर्क सही होता है तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होता ना। होता है कि बहुत लोग दिमाग में सोचते हैं कि ऑनलाइन में नहीं है, बहुत चीज मतलब एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, या इस तरह से समझ नहीं पाते हैं चीजें, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और लोग को दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? नहीं सर, नो नो सर। सर। ये है, हम लोग अब आते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझ लेना, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, और समझ में आ जाएगा तो इतना इजी हो जाएगा ना, तुम उस प्रॉब्लम के साथ तुम खेलोगे। अब देखो, हमारा जो है कंटेंट है स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन, ठीक है। बेसिकली ये ओपन सिस्टम के लिए होता है। ओपन सिस्टम का मतलब तो तुमको समझ में आ रहा होगा, आप ओपन सिस्टम क्या है ये तो अब समझाने की जरूरत नहीं है, ओपन सिस्टम क्या है। सर, कटिंग में सर जो कंप्रेसर टरबाइन में नोजल दिया हुआ है वो सर, हाँ, दिया हुआ है। वो सर नहीं बढ़ेगा अभी क्या? लोडिंग अरे तो इसी का एग्जाम्पल है वो, चलिए वो इफेक्ट। उस स्लाइड उल्टा हो गया है, ओके समझ रहे ना, सर। ये ऊपर नीचे ऊपर, इसको ऊपर होना चाहिए तो उसको नीचे होना चाहिए था, ऐसा वो अपोजिट हो गया, इसीलिए ऐसा हो गया। तुम्हारा पहला पहला पेज यही, तुम्हारा फर्स्ट पेज है, वो तुम्हारा सेकेंड पेज, ठीक है। तो इसमें स्टडी प्लान क्वेश्चन में क्या है ना कि देखो, उसको हम लोग चेंज कर देंगे, तुम्हारा जो है ना, तुम्हारा न्यू में करके उसको हम चेंज करके डाल देंगे ताकि उसका कंफ्यूजन नहीं हो। हाँ, तो देखो, ओपन सिस्टम तो क्लियर है, ओपन सिस्टम में हम लोग का ये तो ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके कि बोथ एनर्जी एंड मास विल बी ट्रांसफरिंग अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ सिस्टम। तो देखो, तुम यहाँ देख लो कि एक ओपन सिस्टम है, इस ओपन सिस्टम में सम क्वांटिटी ऑफ एयर इंटर्स इनटू द सिस्टम, है ना। ये तुम्हारा इनलेट है, ये तुम्हारा आउटलेट है, इसमें यहाँ पे एंट्री है और ये क्या हो गया, एग्जिट हो गया। तो एंट्री से क्या हो गया ना कि MKG ऑफ एयर, देखो MKG ऑफ एयर इंटर्स इनटू द सिस्टम, समझ में आ रहा है कि MKG ऑफ एयर इंटर्स इनटू द सिस्टम, MKG, यहाँ M जो है ना, यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं मास के, M क्या है, ये केजी ऑफ एयर है। जैसे कि 5 KG ऑफ एयर इंटर्स, जैसे कि इस, अब जैसे कि ये तुम्हारा रूम है, रूम का विंडो खुला हुआ है, डोर ओपन है, तो मतलब सम क्वांटिटी ऑफ एयर इंटर्स इनसाइड द रूम एंड सेम क्वांटिटी ऑफ एयर एग्जिट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ दिस रूम, दिस आउटलेट ऑफ दिस रूम। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया कि एम क्वांटिटी ऑफ एयर इंटर्स इनसाइड द सिस्टम एंड द सेम क्वांटिटी ऑफ एयर एग्जिट फ्रॉम द सिस्टम, ये तुम्हारा एजम्पशन है, क्लियर है कि MKG ऑफ एयर इंटर्स इनसाइड द सिस्टम एंड सेम क्वांटिटी ऑफ एयर इंटर्स एग्जिट फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया मास ट्रांसफर हो गया, और चूंकि ऑलरेडी हमारा ओपन सिस्टम है तो हीट एनर्जी और मास दोनों हो जाते हैं, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि मास इंट्रैक्शन भी यहाँ पे हो रहा है, क्लियर है। अब इसमें क्या है ना, यहाँ पर तुम देख रहे हो कि यहाँ पे क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है ना, ये रूम में मतलब ये सिस्टम में सप्लाई हो रहा है, इस एयर में सप्लाई हो रहा है, और सिस्टम के द्वारा है ना वर्क आउटपुट जो है ना डब्ल्यू किया जा रहा है, ठीक है। क्यू अमाउंट ऑफ वर्क मीन हीट इज सप्लाइड एंड सिस्टम डज डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, हर एक यहाँ पे दो पार्ट, इनलेट है और आउटलेट है। अब इनलेट में जो है ना, जो एयर इन कर रहा है उसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग थोड़ा बात करें, उसका उसका क्या क्या प्रॉपर्टी। अब देखो, जैसे इनलेट पे जो एयर इन कर रहा है, सुन रहे हो ना, सुन पा रहे हो सबको, कोई दिक्कत तो नहीं आवाज में? यस सर। हाँ, ध्यान नो सर। ध्यान सुना। अब देखो, एंट्री पे जो एयर है ना, जो हमारे जो रूम में इन कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं। एंट्री पे जो एयर है ना, उसमें U1 जो है ना, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, देखो देखो यहाँ पे U1 है, U1 क्या है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर एट इनलेट ऑफ रूम, इनलेट पे जो उसका स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है वो यहाँ पे U1 है। उसका जो प्रेशर एयर का वो तुम्हारा, ये तुम्हारा P1 है। स्पेसिफिक वॉल्यूम, ध्यान रखना यहाँ पे, देखो स्पेसिफिक मतलब क्या होगा, पर यूनिट मास की लोग बात कर रहे हैं, जो भी बात हो रही है कि पर यूनिट मास की बात लोग कर रहे हैं, उसी तरह स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो गया, ये तुम्हारा स्मॉल V1 है, क्लियर है। स्मॉल V1 से हम लोग
स्मॉल वी वन जो है ना, हम लोग स्मॉल वी हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए यूज कर रहे हैं, ध्यान रखना है। और तो रूम जो इन कर रहा है तो ऑब्वियस कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, उसका वेलोसिटी ऑफ एयर जो है ना यहाँ पर वी से डिनोट कर रहे हैं, वी लिख रहे हैं। यहाँ पर तुम देखो वी वन मतलब ये हो गया वेलोसिटी ऑफ एयर एट इनलेट ऑफ रूम, एट इनलेट ऑफ दिस सिस्टम, क्लियर है। फिर तुम्हारा स्पेसिफिक एंथैल्पी जो होगा ये तुम्हारा एच वन है स्पेसिफिक एंथैल्पी, क्योंकि ऑब्वियस हम जानते हैं कि कैपिटल एच क्या होता है, एंथैल्पी होता है, स्पेसिफिक करेंगे तो स्मॉल एच होता है, मतलब क्या कैपिटल एच बाई एम हो जाता है। और ये तुम्हारा स्पेसिफिक एंथैल्पी इनलेट पे क्या हो गया तुम्हारा एच वन है। मास ऑफ एयर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एम है। अब देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारा प्रॉपर्टी है, दिस आर प्रॉपर्टी ऑफ एयर एट एन इनलेट ऑफ सिस्टम, क्लियर है। अब देखो एक टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं मास फ्लो रेट ऑफ एयर, मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट का मतलब क्या हो गया, एम के ऊपर डॉट लगा हुआ है, तो मास फ्लो रेट का मतलब क्या हो गया कि एक सेकेंड में जितना भी जितना केजी ऑफ एयर रूम में इन कर रहा होगा ना, दिस इज कॉल्ड मास फ्लो रेट ऑफ एयर। यहाँ पर दो नोटेशन यूज कर रहे हैं, एक सिंपल एम यूज कर रहे हैं, एम क्या हो गया टोटल मास ऑफ एयर, रूम में कितना टोटल मास रूम में है तुम्हारे सिस्टम में, दिस टोटल मास ऑफ एयर इज डिनोटेड बाय एम, वन अनदर क्वांटिटी इज एम डॉट, दैट मीन्स दिस इज मास फ्लो रेट ऑफ एयर। मतलब कहने का मतलब है कि एक पर सेकेंड में हाउ मच के जी ऑफ एयर इंटर इन साइड द सिस्टम, क्लियर है। एम और एम डॉट में किसी को तो कोई डाउट नहीं है, एम और एम डॉट में नो सर। हाँ मतलब किसी भी सिस्टम में एक सेकेंड में कितना केजी ऑफ, मतलब हाउ मच केजी ऑफ एयर इंटर इन साइड द सिस्टम, ये तुम्हारा एम डॉट है। एम क्या है, टोटल मास ऑफ एयर प्रेजेंट इन साइड द रूम, ओके। ये तुम्हारा m और m डॉट का हो गया, तो इसमें तुम्हारा क्लियर डाउट नहीं होना चाहिए कि m m डॉट में क्या होता है। फिर हीट सप्लाइड क्या हो गया, q हो गया, q अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है और सिस्टम के द्वारा w अमाउंट ऑफ वर्क, q देखो तुम देख रहे हो ना स्मॉल q है, स्मॉल q है, ध्यान रखना ये क्या हो गया, हम लोग कह सकते हैं स्पेसिफिक यहाँ लगा सकते हो, तो स्पेसिफिक ही होगा, स्पेसिफिक हीट। हेलो सर। हाँ सर। हाँ एक वेट कर रहा है, एक लड़का देखो सर, एक्चुअली क्या है ना तो बोल, हाँ ठीक है अभी तो कुछ ज्यादा लेट नहीं हुआ है, 10 से 15 मिनट का समय हम मैक्सिमम देते हैं, ताकि देखो ये ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे ना तो फिर क्या होगा ना, लड़कों में एक हैबिट बन जाता है कि चलो आराम से 20, बहुत लड़के अटेंडेंस के लिए भी सोचो चलो अटेंडेंस तो बन जाएगा, फिर अटेंडेंस के लिए यहाँ बैठना ये मतलब ये मतलब इस तरह से ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का होता है कि चलो ऐसा है अटेंडेंस तो बन, इस एटीट्यूड से यदि कोई यहाँ बैठे हो तो समझ लो कि तुम अपने आप को चीट कर रहे हो, क्योंकि भाई सिर्फ आखिर तुम यहाँ से डिग्री लेके जाओगे, तुमको मार्केट पे तुम देख रहे हो कितना कंपटीशन काटे का टक्कर है, ये कंसेप्ट नॉलेज नहीं रहेगा तो तुम कैसे टिक पाओगे, इसीलिए तुम्हारे सेफ्टी के लिए ये सब चीज़ जो रूल बनाया गया है तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। जब तुमको लिंक भेजेंगे 10 मिनट के अंदर तुम उसमें तुम ज्वाइन करो, चलो ठीक है। अब देखो हीट सप्लाई क्या है यहाँ पे क्यू अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर सप्लाई किया जा रहा है, स्पेसिफिक ये तुम्हारा क्या है स्पेसिफिक हीट, स्मॉल क्यू, हम लोग हमेशा नोटेशन को ध्यान रखें स्मॉल क्यू है, मतलब स्पेसिफिक हीट, क्यू अमाउंट ऑफ हीट इंटरेस्ट इन साइड उसमें हीट सप्लाई कर रहे हैं, और जो हीट सप्लाई करेंगे तो स्मॉल डब्ल्यू है, दैट मीन्स स्पेसिफिक वर्क है ये स्मॉल डब्ल्यू है, मतलब ये मतलब क्या होगा पर केजी, मतलब एक केजी ऑफ एयर जो है ना से कितना वर्क आउटपुट मिल रहा है, स्पेसिफिक वर्क क्या हो गया, इसका यूनिट क्या होगा किलो जूल पर केजी होगा, दैट मीन्स वन केजी ऑफ एयर गिव्स दिस अमाउंट ऑफ वर्क। अब जैसे रूम में तो हम कहते हैं हमारा कहना है कि रूम में मेरा मतलब 5 केजी ऑफ एयर है, तो हमारा कैलकुलेशन क्या है 1 केजी एयर के लिए हम लोग मिस कैलकुलेट करेंगे, और 1 केजी का निकाल के अब पूछा जाएगा टोटल कितना वर्क होगा, तो लास्ट में क्या करेंगे उसको 5 केजी से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आ रहा है। स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पे हम स्पेसिफिक क्यों ले रहे हैं, स्पेसिफिक हम लोग 1 केजी के लिए ले रहे हैं, और फाइनली जो हमको नेट टोटल वर्क निकालना होगा तो चूंकि इसमें देखेंगे कि 5 केजी ऑफ एयर है या 10 केजी ऑफ एयर जो क्वेश्चन में दिया रहेगा कंडीशन के हिसाब से उसको बाद में क्या करेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नेट टोटल वर्क हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग इसीलिए हम लोग अभी स्मॉल डब्ल्यू यूज कर रहे हैं ताकि हमको 1 केजी ऑफ एयर के लिए हमारा कैलकुलेशन, ओके। इनलेट पे तो क्लियर है, एट इनलेट पे जो प्रॉपर्टी ये क्लियर है, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, जो जो भी प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब आउटलेट पे आते हैं, आउटलेट में क्या होगा सेम होगा स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी एट आउटलेट यू टू, प्रेशर पी टू, स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल वी टू, जो हम लोग एक यूज कर रहे हैं ऐसे करके स्पेसिफिक वॉल्यूम, वेलोसिटी ऑफ एयर एट एग्जिट ये तुम्हारा वी टू है, ये वी टू है। ऊपर में वेलोसिटी में क्या कर रहे हैं, ऊपर में एक हम लोग डैश दे रहे हैं, ध्यान देना है वेलोसिटी में क्या कर रहे हैं हम लोग, हम लोग नोटेशन में क्या कर रहे हैं
ऊपर में वेलोसिटी लिख के एक ऊपर में एक डैश दे रहे हैं, कैसे वेक्टर क्वांटिटी में लगाते हैं ना एरो टाइप से, यहाँ पर प्लेन डैश चूज दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कि कहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम है कहाँ पे वो है, हालांकि उसमें स्मॉल भी है यहाँ पे कैपिटल भी है। तो कहने मतलब वेलोसिटी क्या हो गया तुम्हारा वी टू हो गया, स्पेसिफिक एन्थैल्पी क्या हो गया स्मॉल एस टू हो गया। तो दीज आर प्रॉपर्टी ऑफ एयर, यू टू पी टू स्मॉल वी टू क्या हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये तुम्हारा वी टू क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ एयर, एंड एस टू इज द enthalpy of air at exit of the system. These all are the property of air at inlet and exit. That means in the system, n kg of air enters inside the system with the rate of n kg per second. n kg of air present inside the system, ab kis rate se enter kar raha hai? n kg per second rate se enter kar raha hai, aur system mein jo hai n kg of air hai, theek hai? At the entry of this inlet of the system, these are the property, okay? And at the outlet of system, these are the properties. और एक चीज और हम लोग ध्यान देंगे कि इनलेट का हाइट जो है ना, ये तो हमारा डेटम लाइन है, these are my datum line. Datum line से Z1 height पे है, और outlet का जो हाइट है वो datum line से Z2 height पे है, ठीक है? Z1, Z2 क्या हो गया? Datum, जो इनलेट का जो है ना, इनलेट का हाइट datum line से इनलेट का हाइट क्या है, फिर तुम्हारा जो जो आउटलेट है उसका हाइट क्या हो गया वो datum line से हम लोग यहाँ पे Z2 है। इस तरीके से हम लोग का ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गया, यदि इसको तुम समझ पा रहे हो तो हम लोग आगे बढ़े। यहां तक किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? नो सर। ओके सर, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्या है ना, अब एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन करेंगे। इनलेट पे जितना एनर्जी होगा, अब देखो इनलेट पे एक्चुअली मास, सम क्वांटिटी ऑफ एयर एंटर्स इनसाइड द सिस्टम, सेम क्वांटिटी ऑफ एयर एग्जिट फ्रॉम द सिस्टम। तो कहने का मतलब इनलेट पे जो एनर्जी होगा, दिस इज इक्वल टू, इनलेट पे जो एयर का जो टोटल एनर्जी होगा, सेम एनर्जी क्या होगा आउटलेट पे होगा। तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन पे हम लोग आ रहे हैं। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या कहता है कि इनलेट पे जो सपोज दैट कि m kg ऑफ एयर एंटर्स इनसाइड द सिस्टम, the total energy of m kg of air at inlet is equal to total energy of m kg of air at outlet. ye hamara energy balance equation ke help se hum log aage badhenge. this equation is applied for open system, aur base hum open system ki baat kar rahe hain, since both energy and mass interaction are taken place, kyunki yahan par already hum likhe hue hain open system ke liye apply kar rahe hain, kyunki is open system mein kya hota hai, mass interaction bhi hota hai aur energy interaction bhi hota hai. ab dekho, total energy at inlet is equal to total energy at outlet, kyunki hamara humko yahan pe energy balance equation karna hai. अब देखो एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या क्या हो जाएगा इनलेट पे क्या क्या हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग अब यूनिट पे ध्यान रखें, हमारा पहला इंपॉर्टेंट ये तुम्हारा हो गया, पहला पार्ट हो गया इसका। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं यूनिट की बात यहाँ पे क्या करेंगे हम पहले बात करते हैं केस टू की, हम पहले केस टू पे आते हैं, है ना? अभी हम केस टू की बात कर रहे हैं, हम आते हैं पहले केस टू। अब देखो केस टू में क्या है, व्हेन यूनिट्स आर इन किलोजूल पर केजी, तुम्हारा ये जो अभी तुम देखे हो ना, जो तुम्हारा हम लोग प्रॉपर्टी जो यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, स्पेसिफिक यूज कर रहे हैं। वो क्या यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिक टर्म में लिख रहे हैं, इसीलिए हमारा यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे किलोजूल पर केजी में आ जाएगा। कैपिटल यू नहीं होकर यहाँ पे स्मॉल यू है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कैपिटल बी नहीं होकर यहाँ पे स्मॉल बी है, कैपिटल एच नहीं होकर, तो कहने मतलब हमारा यूनिट यहाँ पे क्या है किलोजूल पर केजी। हम पहले सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ गया, व्हेन यूनिट्स आर इन किलोजूल पर केजी। ध्यान रखना है यूनिट्स पे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यूनिट्स पे पूरा ध्यान, सिर्फ यूनिट्स पे तुमको ध्यान रखना है। तुम्हारे पास तीन इक्वेशन होगा, इस तीनों इक्वेशन को तुमको समझ में अभी दो मिनट के अंदर तुमको समझ में आ जाएगा, और न्यूमेरिकल में सिर्फ यूनिट्स पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में यूनिट क्या पूछा जा रहा है। सिंपली यूनिट को तुमको न्यूमेरिकल में चाहे कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन हो, चाहे टर्बाइन हो, कंप्रेसर हो, नोजल हो, पंप हो, एनीथिंग कुछ भी हो, तुमको सिर्फ यूनिट को पकड़ना है। तुम्हारे पास तीन इक्वेशन है, तीनों का यूनिट अलग अलग है, तुमको उस इक्वेशन को तुमको लिख लेना है, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यूनिट क्या हम लोग ले रहे हैं, किलोजूल पर केजी में आ रहे हैं, यूनिट सारे किलोजूल पर केजी, क्लियर है? पहला यूनिट हम लोग क्या ले रहे हैं, व्हेन यूनिट सारे किलोजूल पर केजी, एनी डाउट? इसमें कोई डाउट नहीं है पहला यूनिट पे? ओके, आगे बढ़े। यस सर। हाँ चलो, इन दी अदर इक्वेशन, चलो ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हम पहले आते हैं यूनिट पे। तो इसमें अब देखो H1, तो एंट्री पे क्या है उसका,
एंट्री पे उसका मतलब इंथैल्पी क्या है, h1 है एंट्री पे, चूंकि एनर्जी एट इनलेट इज इक्वल टू एनर्जी एट आउटलेट, इनलेट पे जो एनर्जी है वो आउटलेट पे एनर्जी के हम उसको बराबर कर रहे हैं। तो एंट्री पे क्या एनर्जी क्या कितना है, समेशन ऑफ ऑल एनर्जी क्या होगा, एंट्री पे सबसे पहले हम लोग इंथैल्पी को ले रहे हैं कि इंथैल्पी ऑफ एयर एट इनलेट, इंथैल्पी ऑफ एयर एट इनलेट, तो एच यहां पर ले, एच वन का मतलब क्या हो गया इंथैल्पी ऑफ एयर एट इनलेट। तो इंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी तुम्हारे पास यू वन होता है प्लस पी वन स्मॉल वी वन होता है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम, चूंकि कैपिटल एच क्या होता है कैपिटल यू प्लस पी वी होता है, हम लोग पढ़े हैं अभी पढ़े हैं ना कैपिटल एच इक्वल टू यू प्लस पी वी कैपिटल एच, हाँ समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस डिस्प्लेसमेंट वर्क। तो चूंकि यहाँ पे स्मॉल एच ले रहे हैं स्मॉल यू हो गया और पी स्मॉल वी हो गया, तो ये तुम्हारा इंथैल्पी एट इनलेट, इंथैल्पी एट इनलेट यहाँ पर क्या होगा, इंथैल्पी में यहाँ पे दो टर्म है यू वन है और पी वन स्मॉल वी वन है कैपिटल वी वन है, ये स्मॉल वी वन है स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो ये दिस एच वन, एच वन क्या हो गया इंथैल्पी स्पेसिफिक इंथैल्पी एयर एट इनलेट, क्लियर है। फिर आते काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, लेकिन हम यहाँ पर ले रहे हैं स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी ले रहे, तो क्या होगा मास से यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी क्या, यस हाफ वी वन स्क्वायर, यहाँ पे हाफ वी वन स्क्वायर मास से डिवाइड किया हुआ है, मास से डिवाइड क्यों किया गया है क्योंकि यूनिट्स यहाँ पे किलो जूल पर के जी ले रहे हैं, क्योंकि यूनिट्स क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे किलो जूल पर के जी ले रहे हैं, इसलिए मास से यहाँ पर डिवाइड हो गया, क्लियर है, क्लियर है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर जेड हाइट पे है, देख लो ना यहाँ पर जेड हाइट पे इनलेट पे है, तो इसका यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा एम जी जेड वन होगा, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक हम ले रहे हैं तो यहाँ पर मास हट गया, दिस इज जी जेड वन, जी जेड वन। प्लस अब क्यू अमाउंट ऑफ हीट यहाँ सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्यू अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, तो हमको पता है कि जब हीट ऐड करते हैं तो साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, हीट एडिशन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे हीट को यहाँ पे ऐड कर दिए, इसलिए यहाँ प्लस साइन हो गया। तो ये टोटल एनर्जी ऑफ एयर एट इनलेट ऑफ सिस्टम, ये टोटल एनर्जी जो है ना इनलेट पे, ये टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या क्या हो गया, एंथैल्पी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है और हीट ट्रांजेक्शन, हीट भी एक तरह से फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, ये भी सप्लाई किया जा रहा है, ये टोटल एनर्जी ऑफ एयर एट इनलेट ऑफ सिस्टम। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, और इस एंथैल्पी में क्या है, एंथैल्पी में क्या है समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस डिस्प्लेसमेंट वर्क, दिस एंथैल्पी द समेशन ऑफ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी प्लस डिस्प्लेसमेंट वर्क एट इनलेट, एच को यहाँ पे यू1 प्लस पी1 वी1 भी हम लोग लिख ले हैं, क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसमें तो किसी एनर्जी एट इनलेट में तो किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े सर, एक बार इक्वेशन रिपीट कर दीजिएगा सर। हाँ फिर से रिपीट कर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सबसे पहले इनलेट पे जो यहाँ पे जो इनलेट टोटल एनर्जी ले रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे इंथैल्पी ले रहे हैं, भाई इंथैल्पी इनलेट पे कितना है, वो तुम्हारा स्मॉल एच वन है, स्मॉल एच वन क्या होता है स्मॉल यू वन प्लस पी वन स्मॉल वी वन, क्योंकि इंथैल्पी क्या होता है स्पेसिफिक इंथैल्पी क्या होता है समेशन ऑफ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी प्लस डिस्प्लेसमेंट वर्क, स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट वर्क, यहाँ पे H1 को हम लोग U1 plus P1 V1 भी लिख सकते हैं, ये तुम्हारा इंथैल्पी हो गया, इंथैल्पी ऑफ एयर एट इनलेट प्लस, अब उसमें एयर कुछ वेलोसिटी से यहाँ पे इन कर रहा है, उसका वेलोसिटी V1 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर, उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक ले रहे हैं तो मास डिवाइड कर देंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। फिर की बात करेंगे, क्योंकि उस एयर में कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, क्योंकि वहाँ पे उसका हम रेफरेंस पॉइंट से जेड वन हाइट पे है, उसका हाइट उसका उसका पी क्या हो जाएगा एयर का एम जी जेड वन हो जाएगा, जो कि स्पेसिफिक ले रहे हैं यहाँ से मास डिवाइड कर दिए। प्लस क्यू, यहाँ पे क्यू क्या है, यहाँ पे चूंकि हीट ट्रांसफर हम लोग कर रहे हैं तो हीट यहाँ पे हीट सप्लाई होगा, तो ऑब्वियस वहाँ पे क्या होगा वहाँ पे प्लस साइन ले रहे हैं। स्मॉल क्यू क्यों ले रहे हैं, चूंकि यहाँ पे किलो जूल पर केजी स्पेसिफिक हीट हीट मतलब जो है ट्रांसफर यहाँ वैल्यू हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल क्यू आ गया। ये टोटल जो है हो गया ना सब कुछ एच वन प्लस हाफ बी वन स्क्वायर प्लस जी जेड वन प्लस क्यू, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ एयर एट इनलेट ऑफ सिस्टम। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलो जब ये समझ, हाँ जब ये समझ में आ गया है, हाँ ठीक है आगे बढ़े सर। हाँ बोलो सर, इससे मतलब ये कंक्लूजन निकल सकता है ना कि जैसे मास अगर है ही नहीं, मतलब मास कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो ये किसी भी गैस के लिए प्रूफ हो जाएगा ना? हाँ देखो क्या है ना, एक्चुअली ये तो हम लोग एक्चुअली ये ओपन सिस्टम है, ठीक है, ओपन सिस्टम में क्योंकि ये मास तो है, मास यहाँ पे पिक्चर में है, क्योंकि हम यहाँ क्योंकि मेरा कैलकुलेशन होगा कि 5 kg, क्वेश्चन में आएगा तुम्हारा 5 kg ऑफ एयर, तुम्हारे क्वेश्चन में दिया जाएगा 5 kg ऑफ एयर इंटर्स इनसाइड द सिस्टम,
या तुम्हारे रूम में 5 kg ऑफ एयर है इन करना है, तो हम पर केजी में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम 1 kg का निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 kg से इतना वर्क हो रहा है तो 5 kg में कितना वर्क हो गया, 1 kg की काइनेटिक एनर्जी इतना है तो 5 kg कितना होगा, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, ये भाई भरसा तरफ थोड़ा सा नहीं जाना है क्योंकि ये ओपन सिस्टम है, समझ रहा है कि नहीं? ओपन सिस्टम है, ओपन सराउंडिंग और अंदर का प्रेशर मतलब सेम ही रखना है ये वाला सिस्टम। यस यस, प्रेशर सेम रहेगा क्योंकि प्रेशर जो है ना यहाँ पर देखो, नहीं नहीं एक्चुअली प्रेशर भी यहाँ चेंज हो रहा है ना, इनलेट पर जो प्रेशर है ना, इनलेट का प्रेशर अलग है और आउटलेट प्रेशर अलग है। इनलेट आउटलेट जो कि एनर्जी बैलेंस वो कर रहे हैं, इनलेट पर जो एनर्जी है उसको बैलेंस कर रहे हैं आउटलेट से, क्योंकि जितना एनर्जी इन करेगा, जितना तुम्हारे सिस्टम में पैसा आएगा उतना तुम खर्च करोगे, जितना इन हो रहा है उतना ही आउट हो रहा है, ठीक है ना? यस सर, ऐसा ही कंडीशन पड़े थे जिसमें वैक्यूम मतलब वैक्यूम चेंबर रहता है उसके अंदर ये सिस्टम रखा होता है तो उसमें मास। हाँ वैक्यूम, एक्चुअली वैक्यूम चेंबर के लिए फ्री एक्सपेंशन होता है, वो हम लोग देखेंगे वैक्यूम चेंबर में जो होता है ना वहाँ फ्री एक्सपेंशन होता है, हम लोग इसी का केस है उसको हम लोग आगे देखेंगे। चलो ठीक है, ये यहाँ इनलेट का हो गया, क्लियर हो गया, इनलेट क्लियर है, इनलेट पर टोटल एनर्जी क्लियर है। अब देखो, अब आउटलेट में आते हैं, आउटलेट में क्या होगा, सेम चीज यहाँ पे H1 है तो यहाँ पे H2 होगा, मीन्स स्पेसिफिक एन्थैल्पी एट आउटलेट ऑफ दिस सिस्टम हाफ बी टू स्क्वायर, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर एट आउटलेट ऑफ सिस्टम, दिस इज आउटलेट, स्पेसिफिक एट आउटलेट, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट ऑफ सिस्टम प्लस GZ2, दिस इज स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी एट आउटलेट सिस्टम। अब प्लस सिस्टम के द्वारा ये वर्क किया जा रहा है, ये सिस्टम के द्वारा वर्क आउटपुट मिल रहा है, चूंकि आउटलेट पे तुम निकाल लो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आउटपुट पे चला जाएगा, ये पे क्या होगा, सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है इसलिए क्या होगा यहाँ पे तुम्हारा प्लस, यहाँ पे तुम्हारा प्लस W हो गया। तो इस तरीके से ये इक्वेशन तुम्हारा कहाँ गया, स्मॉल W हो गया, ठीक है, H2 प्लस हाफ बी टी स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस W, दिस इज योर बेसिक इक्वेशन ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, दिस इज क्वाइट सिंपल इक्वेशन, क्वाइट सिंपल इक्वेशन। अच्छा ये क्वेश्चन तुम्हारा इस इक्वेशन बी हम ले रहे हैं, यहाँ पे यूनिट क्या है, किलो जूल पर केजी है। अब इसी को केस फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग ले रहे हैं, जब यूनिट क्या है, किलो जूल में है, यूनिट किलो जूल मतलब क्या हो गया, ये हमारा कैलकुलेशन किसके लिए था, पर केजी के लिए था, अब इसमें मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कैसे होता है 1 kg ऑफ एयर के लिए। अब हमको पता है कि m kg ऑफ एयर सिस्टम में इन कर रहा है, क्योंकि हमारे पास m ऑलरेडी हम ले चुके हैं, m kg ऑफ एयर इंटर इनसाइड में सिस्टम, उसके इसमें क्या होगा, इसमें मास से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को, तो यूनिट क्या हो जाएगा, किलो जूल हो जाएगा, यूनिट क्या होगा, किलो जूल हो जाएगा, तो व्हेन यूनिट सारे में किलो जूल, तो क्या होगा, अब चलो H1, H इक्वल टू क्या होता है, U प्लस H क्या होता है, U प्लस PV, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, U1 प्लस P1 V1 हो जाएगा, ये तुम्हारा H1 हो गया, है ना, कैपिटल H1, U1 प्लस P1 V1, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ m v1 स्क्वायर हो गया, प्लस फिर मास पोटेंशियल एनर्जी मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्योंकि m के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, mgz1, फिर एम के जी के लिए करेंगे तो स्मॉल क्यू क्या होगा, कैपिटल क्यू हो जाएगा, यहाँ स्मॉल क्यू क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2 प्लस हाफ m v2 स्क्वायर प्लस mgz2 प्लस कैपिटल W, ये है ना कैपिटल W। इस तरीके से हम लोग एम के जी ऑफ एयर के लिए हमारे पास इक्वेशन आ गया, जहाँ पर कि H क्या है, U प्लस PV है, तब इसको U प्लस PV को यहाँ पे H में लिख लिया है, तो H1 इज इक्वल टू दिस इज इन टोटल एन्थैल्पी ऑफ एयर एट इनलेट, दिस वन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर एट इनलेट, दिस वन टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एयर एट इनलेट, दिस वन टोटल हीट ट्रांसफर इनसाइड द सिस्टम, जो भी एयर उसमें उसमें सप्लाई हो रहा है उसमें टोटल इतना हीट ट्रांसफर हुआ, दिस इज इक्वल टू H2, दिस इज टोटल एन्थैल्पी ऑफ एयर एट आउटलेट, दिस वन इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर आउट आउटलेट, दिस वन टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एयर एट आउटलेट, दिस वन इज द नेटवर्क, टोटल वर्क कितना जिसको मिला वो तुम्हारा हो गया। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, दिस वन इज योर सेकेंड ब्यूटिफुल इक्वेशन ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन व्हेन यूनिट्स आर इन किलो जूल, ठीक है। अब देखो तुम्हारा ये इस इक्वेशन हम लोग स्टार्ट किए थे, अब देखो ये बहुत एक ब्यूटीफुल यहाँ पे एक चीज है, एक चीज बताओ कि जैसे कि आ गया है, हाँ अब देखो अब एक बहुत एक क्योंकि हमारे पास यूनिट जो हम लोग लिए हैं वो क्या क्या लिए हैं हम लोग, पहला हम लोग यूनिट लिए वो क्या लिए, यूनिट लिए हम लोग किलो जूल पर केजी, पहला यूनिट हमारा ये है, दूसरा यूनिट क्या है, हम लोग इसको मास से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे यूनिट क्या हो, किलो जूल हो गया,
तीसरा यूनिट हम लेना चाह रहे हैं किलोवाट, किलोवाट में हम लेना चाह रहे हैं। दो यूनिट तुम्हारा क्लियर है ना, दो यूनिट पावर डिस्कस। अब तीसरा इक्वेशन हम लोग लेंगे जहां पे यूनिट लेंगे हम लोग किलोवाट का। किलोवाट पे कैसे करेंगे, किलोवाट कब मिलेगा, यदि केजी किलो जूल पर केजी को यदि मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसे मल्टीप्लाई कर दें, स्पेसिफिक जो टर्म है सर साउंड नहीं आ रहा है क्लियर। हाँ नहीं नहीं आएगा, थोड़ा सा मेरा कर्सर थोड़ा सा इसमें। हाँ, तो कहने मतलब हमारा जो यूनिट क्या था, पहला यूनिट क्या था, किलो जूल पर केजी में लिए थे। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किलोवाट में, तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए यदि इसको हम मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दें, तो मास फ्लो रेट क्या होता है, केजी पर सेकेंड होता है मास फ्लो रेट। इसको यदि हम मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, केजी केजी कैंसिल हो जाएगा और किलो जूल पर सेकेंड क्या होगा, ये तुम्हारा किलोवाट हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, समझो चीजों को। हमको चाहिए थर्ड इक्वेशन, आई नीड दिस इक्वेशन व्हिच यूनिट शुड बी इन किलोवाट। तो किलोवाट कैसे करेंगे, या तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि मतलब जो बेस्ट ऑप्शन है कि जो हमारे पास इक्वेशन जो किलो जूल पर केजी में है उसमें यदि मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दे तो यूनिट किस में हो जाएगा, किलोवाट में हो जाएगा, कन्वर्ट होगा कि नहीं किलोवाट में होगा सर, हो जाएगा। तो यदि ऐसा हो जाएगा हम लोग उसी को हम लोग आगे करते फॉलो कर लेते हैं। अब इसमें क्या करें हम लोग, हमको यूनिट चाहिए, अब किसमें यूनिट चाहिए, हमको किलोवाट में आए हमको यूनिट चाहिए, तो किलोवाट में करने के लिए क्या होगा, इसको मास फ्लो रेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मास फ्लो रेट से किसको मीन्स मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वेशन बी को, इक्वेशन बी का यूनिट हमारा क्या किलो जूल पर केजी है, तो इसको मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, दिस वन एम डॉट एच वन प्लस दिस वन एच वन प्लस हाफ बी वन स्क्वायर प्लस जी जेड वन प्लस एम डॉट क्यू, एम डॉट क्यू अलग कर लिए क्यू, फिर m डॉट इंटू एस टू प्लस हाफ बी टू स्क्वायर प्लस जी जेड टू प्लस एम डॉट डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो तो ये तुम्हारा हो गया m डॉट एच वन, ये सेम क्वांटिटी है। अब देखो m डॉट क्यू जो है ना, इसको हम लोग कैपिटल क्यू पे एक डॉट लगाते हैं, एक नया नोटेशन में यूज करेंगे जिसको, जिसका यूनिट क्या हो गया इसमें, किलो वाट में। क्यू पे यदि डॉट लग गया ना तो वो हो गया किलो जूल पर सेकेंड। क्यू पे सिंपल क्यू है तो इसके इसका यूनिट क्या है, यदि सिंपल क्यू है तो यूनिट क्या है यहाँ पे, किलो जूल है। स्मॉल क्यू है तो यूनिट क्या है, किलो जूल पर केजी है। ठीक है, और यदि क्यू पे डॉट लगा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे किलो जूल पर सेकेंड हो गया, दिस इज यूनिट इज इन किलो वाट। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको ध्यान रखना है। अलग अलग सबका नोटेशन का, अलग अलग सिंबल का अपना अपना वो आइडेंटिटी है। कैपिटल क्यू किलो जूल में हो गया, स्मॉल क्यू क्या हो गया, स्पेसिफिक आ गया किलो जूल पर केजी, जो कि कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू कहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग, पहला इक्वेशन यूज कर रहे हैं, जब यूनिट क्या है किलो जूल में था तब यहाँ पे कैपिटल क्यू यूज कर रहे हैं। जब हम उसको स्पेसिफिक में ले आए तो क्या हो गया, यहाँ पे यूनिट क्या हो गया, किलो जूल पर केजी में आ गया, जो कि हमारे पास इक्वेशन बी है। इक्वेशन बी जो है ना, यहाँ पे स्मॉल क्यू यूज कर रहे हैं, और इस स्मॉल क्यू को जब हम लोग मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दिए तब यहाँ पे हम लोग यूनिट क्या सिंबल या क्या यूज कर रहे हैं, क्यू डब्ल्यू यूज कर रहे हैं, क्यू डॉट यूज कर रहे हैं, ये हो गया तुम्हारा किलो वाट। तो ये तुम्हारा हो गया क्यू डॉट हो गया, प्लस एम डॉट एच टू प्लस हाफ बी टू, ये तो तुम्हारा कॉमन टर्म है, और ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू डॉट। W डॉट मतलब ये फिर से ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा यूनिट क्या हो जाएगा किलोवाट। इस तरह से तुम्हारा ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर सी है, इसका यूनिट क्या हो गया, यूनिट क्या है किसमें है, किलोवाट में तुम्हारा यूनिट है। तो सीधा सीधी तुम्हारे पास अब क्या हो गया, तुम्हारे पास तीन इक्वेशन है। अब तो ओवरऑल आ जाओ, ओवरऑल क्या है, व्हेन यूनिट्स आर इन किलो जूल एच वन प्लस हाफ एम बी एन स्क्वायर प्लस एम जी जेड वन प्लस कैपिटल क्यू, चूंकि यहाँ पे यूनिट किलो जूल में है, एस टू प्लस हाफ एम बी टू स्क्वायर प्लस एम जी जेड टू प्लस कैपिटल डब्ल्यू, है ना, कैपिटल डब्ल्यू, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर वन। जब यूनिट किलो जूल पर केजी में है तो यहाँ पे क्या स्मॉल एच वन है प्लस हाफ बी एन स्क्वायर प्लस जी जेड टू प्लस स्मॉल क्यू, दिस इज स्मॉल एस टू प्लस हाफ बी टू स्क्वायर प्लस जी जेड टू प्लस स्मॉल डब्ल्यू, दिस इज क्वेश्चन नंबर टू। यूनिट्स आर इन किलो जूल पर केजी, ध्यान यूनिट पर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यूनिट यहाँ पे किलो वाट में है उसके इसमें क्या हुआ, यहाँ पे m डॉट से मल्टीप्लाई कर देना था इसको, तो m डॉट से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या आ गया, दिस इक्वेशन, यहाँ पे q डॉट है और यहाँ पे w डॉट है, ये भी इसका सबका यूनिट क्या है किलोवाट, सबका यूनिट यहाँ पे किलोवाट है, ये तुम्हारा थर्ड इक्वेशन हो गया। इस तरीके से तुम्हारे ये तीन इक्वेशन क्या हो गया, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज, दिस डेरिवेशन इज नोन
एज स्टेडी फ्लो एनर्जी। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? इतनी बातें तुमको समझ में आ गए, इतनी बातें समझ तुमको आ गई है, अब सब कुछ इसी से निकलेगा। यहाँ से टर्बाइन निकलेगा, यहाँ से कंप्रेशन निकलेगा, यहाँ से नोजल आएगा, यहाँ से थ्रॉटलर आएगा, थ्रॉटलिंग भी प्रोसेस होता है, थ्रॉटलर आएगा, यहाँ से पंप, मतलब सब कुछ यहाँ से आएगा, यहाँ से फ्री एक्सपेंस, सब सारा डिवाइस इस इक्वेशन पे बेस्ड है। तो ये तुम्हारा इक्वेशन जो था, ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, इस इक्वेशन को बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग तीन इक्वेशन डिराइव किए हैं। तीनों का यूनिट, एक पहला यूनिट क्या ले रहे हैं हम लोग, किलो जूल पर केजी में ले रहे हैं, फिर दूसरा हम लोग किलो जूल में ले रहे हैं, और तीसरा किस में ले रहे हैं, किलो वाट में ले रहे हैं। बस इस नोटेशन को ध्यान रखते हुए हम लोग एक और इम्पोर्टेंट चीज पे ध्यान देंगे, और वो इम्पोर्टेंट चीज ये है। एक इतनी बात समझ में आ गई है? अब देखो एक चीज समझो, एक इसमें इम्पोर्टेंट ये है, जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो तुम एक इस बात का तुम ध्यान, इस बात को तुमको ध्यान में तुम रखोगे जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व, इक्वेशन तो तुम लिख लिए हो। अब देखो आप, हम यूनिट जब किलो वाट में ले रहे थे, सॉरी किलो जूल में ले रहे थे, तो यहाँ पर क्या लिख रहे थे, काइनेटिक एनर्जी क्या लिख रहे थे आप, एमवीएन स्क्वायर लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे ना, लिख रहे थे ना? यस सर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एमवीएन स्क्वायर। अब एक चीज तुम देखो, एक चीज यहाँ पर देखो तुम, कि हाफ एमवीएन स्क्वायर का यूनिट क्या होता है, हमको ये मान के चल रहे हैं कि ये किलो जूल में है, लेकिन एक्चुअली जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे हिडन, हिडन क्या है वो तुमको अभी समझ में आ जाएगा, जिसको तुमको बार बार लिखना नहीं है, जब तो न्यूमेरिकल जब तुम वैल्यू पुट करोगे ना, वहां पर तुमको वो टर्म तुमको डाल देना है। देखो हाफ एमवी स्क्वायर, एम क्या है, केजी में, वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड होता है, है? इसका यूनिट क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है हाफ एमवी स्क्वायर का, या एमजी जेड का यूनिट क्या होता है, तो बताओ एक आदमी। जूल सर। तुम्हारे, ये जूल सर, तुम्हारे पास क्या का भाई, तुमको कहा भाई 5 केजी का ऑब्जेक्ट है और वो 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो मूव कर रहा है, तो कितना एनर्जी होगा, तुम सब पुट करोगे तो यूनिट क्या होगा, यूनिट तुम्हारा जूल में आएगा, क्योंकि तुम एज्यूम क्या कर रहे हो, यूनिट क्या है, किलो जूल में है। तो किलो जूल कब होगा, जब इसको तुम 1000 से डिवाइड करो, जब तुम इसको 1000 डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये किलो जूल हो जाएगा, तब ये किलो जूल होगा। तो चूंकि यहाँ पर तुम किलो जूल, यहाँ पर तो एज्यूम तुम कर रहे हो, हम लोग का एजम्पशन यहाँ पे यूनिट क्या है, किलो जूल पर केजी में है, फिर किलो जूल में है, फिर किलो वाट में, सब में किलो किलो लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग ध्यान, जब इक्वेशन तुम यहाँ, तो तुम इक्वेशन कैसे लिखोगे, इक्वेशन जो है जब तुम लिखोगे इक्वेशन, तो तुमको यहाँ तक तुमको इक्वेशन ऐसे लिखना है, ठीक है, और जब तुम फाइनली जब तुम पुट करोगे, तब जब वहां पर तुम जो है 1/2 × 10³ से डिवाइड करते हुए जो भी 5 केजी एयर है, जो वेलोसिटी जो भी है, उसको तुम पुट करके आगे बढ़ोगे। तो मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, कि काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म में 1000 से डिवाइड करना है, और पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म में भी 1000 से डिवाइड करना है। क्लियर है, क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है ना, कहां पर ये तुमको कैलकुलेशन में ध्यान में, जब तुम कैलकुलेट करोगे, जब तुम न्यूमेरिकल वैल्यू तुम पुट करने जा रहे हो, तो वहां पे 1000 से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में 1000 से डिवाइड करना मत भूलना। क्यों डिवाइड कर रहे, समझ में आ रहा है क्यों ऐसा है, क्लियर है? यस सर, यस। और जो भी यूनिट तुम्हारा वाट में है, सपोज दैट कि तुम्हारा हीट, यदि तुम्हारा जूल पर केजी, सपोज दैट तुम्हारा हीट क्या दिया हुआ है, सपोज दैट इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ यूनिट का खेला है, यूनिट को तुमको ध्यान रखना है, देख लो यूनिट का कितना इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे इस क्वेश्चन से सेकंड इक्वेशन तुम यूज करने जा रहे हो, तुम्हारे पास क्वेश्चन जो है तुम्हारा दिया हुआ है क्यू, तुम्हारा जूल पर केजी में दिया हुआ है, सपोज दैट कि बोलेगा नहीं भाई 5 जूल पर केजी जो है हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या करोगे वहां पे, 5 जूल है तो उसको जूल पर केजी, वो क्या किलो जूल पर केजी में करोगे ना, तो वहां पे क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से शंकर कुमार एनी प्रॉब्लम, शंकर को कुछ प्रॉब्लम है, शिवशंकर सुन पा रहे हो, शिवशंकर तक आवाज आ रही है,
शंकर कुमार तक आवाज नहीं जा रही है, उसको प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा है। और लोग तक तो आवाज जा रही है ना, सुन पा रहे हो ना? यस सर, यस सर, कभी कभी आवाज कट जाती है, इसलिए नेटवर्क बहुत वीक है। ओके ओके, कोई बात नहीं है, वीक है तो उसका रिकॉर्डिंग है, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, चिंता नहीं करना है, उसमें तुम्हारा रिकॉर्ड हम लोग अपलोड कर देंगे, डोंट वरी, वहां से तुम्हारा बिल जाएगा। ये तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इससे ये तो और अच्छी बात है ना कि बैकअप में किसी कोई क्लास किसी कारण से जेन्यून कारण से कोई क्लास नहीं कर पा रहा होगा, उसके लिए सपोर्ट है, इसलिए कोई कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, तो हम एक क्वेश्चन में यहाँ पर यहाँ बात कर रहे थे कि भाई यदि तुम्हारे क्वेश्चन में तुम सपोज तुम्हारे क्वेश्चन में तुम सेकेंड क्वेश्चन तुम यूज तुम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 जूल पर केजी हीट जो है ना वो ट्रांसफर हो रहा है, तो कहने मतलब जैसे 5 जूल पर केजी जैसे पर केजी है तो फटाक से तुम इस इक्वेशन में आ जाओ, तुमको इक्वेशन नंबर बी तुमको पिक करना है किलो जूल पर केजी वाला। अब तुमको 5 जूल पर केजी तो ऑब्वियस जब तुम न्यूमेरिकल तुम पुट करोगे तो उसको क्या करोगे, तो किलो जूल पर केजी में तुमको कन्वर्ट करना मत भूलना, 5 को वहां पे 1000 से डिवाइड करना मत भूलना, क्योंकि यू आर अज्यूमिंग दैट द यूनिट ऑफ इच क्वांटिटी इज इन किलो जूल पर केजी, और जो काइनेटिक एनर्जी वगैरह है उसको भी 1000 से डिवाइड करना मत भूलना, मतलब जो भी तुम्हारा जूल में है ना उसको किलो जूल में कर लेना, हमारे कहने का मतलब एक ही है। यहाँ पर ओवरऑल हम यही बात करना चाह रहे थे तुमको कि यदि तुम्हारा कहीं पर जूल वाला कोई टर्म है तो वहां पे किलो जूल में कर ले, तभी तुम्हारा किलो जूल पर केजी होगा, या तो किलो जूल में होगा या तो किलो वाट में होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तुम्हारा 3 इक्वेशन है, तीनों तुम्हारा थंब रूल इक्वेशन है। अब तुम सीधा सीधे जब हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तुम देखोगे कि हम कोई भी उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वो क्वेश्चन को पढ़ने से हमको ये डेटा से हमको अंदाजा लगाना है कि हमको हमारे पास 3 इक्वेशन है तो कौन सा इक्वेशन हमको यूज करना है ज्यादा बेहतर है, तो उसके हिसाब से हम लोग एक इक्वेशन को पिक करेंगे और फटाक से हम उसको लेके आगे बढ़ते हैं और सीधे पुट करना है, यू विल गेट रिजल्ट। ठीक है, इस पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जो हम लोग बाद में डिस्कशन किए हैं यूनिट पे, हम लोग बात किए हैं कि यूनिट में जब जूल हो तो उसको किलो जूल में कन्वर्ट करना मत भूलना, काइनेटिक एनर्जी है 1000 से डिवाइड करना मत भूलना। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। ओके, चीजें समझ में आ गया है ना, चीजें मतलब इसको एक बार थोड़ा सा थोड़ा जब तुम क्लास नोट जब तो अपने तुम इसको रिकैप करोगे तो उसमें तुमको अच्छे से क्लियर हो, सिंपल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, एंट्री पर जो एनर्जी है ना उसको हम लोग एग्जिट की एनर्जी दोनों को बैलेंस कर, अदू को एंट्री पर एनर्जी पता है इंथैल्पी होता है, काइनेटिक एनर्जी कैपेसिटी एनर्जी होता है, और कर रहे हैं दिस इज इक्वल टू आउटलेट पे उस पर भी इंथैल्पी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, और वहां से वर्क मिला, बस इतना ही तो है, इतने सारी चीजों को हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब थोड़ा यूनिट पे लेके आ गए, किलो जूल पर केजी में ले लिए, मास से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो तुम्हारे किलो जूल में हो गया, और उसी सेकेंड इक्वेशन को मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा किलो वाट में हो गया, सिंपल है, इतनी सारी चीजों को हम लोग कर रहे हैं। चलो अब यहां तक यदि ठीक है, अब आते हैं हम लोग ऊपर वाले, 11:40 हो गया तुम्हारा क्लास, अभी नेक्स्ट क्लास हमको इसको HMT का एक्स्ट्रा क्लास लेना है, अभी तो है कमिंग क्लास है, तुम्हारा भी अभी अभी कोई क्लासेज है? सर मैथ का, मैथ का आ गया मैसेज, आ गया 11:40 से होता है ना क्लास? यस सर। चलो ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं यहीं तक रोकते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करने के लिए तो बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत ज्यादा टफ वो चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी अपना क्लास नोट्स में उसको अपडेट कर लो, अपडेट कर लो, अपडेट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, हम लोग कंप्रेसर से स्टार्ट करेंगे और कंप्रेसर से करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत सिंपल है, यदि वो क्वेश्चन क्लियर है तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है तुम्हारे पास, सब हाँ 2 बजे होगा तुम्हारा क्लास होगा, तुम्हारा जब ये होगा 2 बजे होगा ना, उसमें हम लोग इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, डिस्कस करते हुए हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है सर? 2 बजे से क्लास नहीं कर पाएंगे, कोई बात, तो यदि कोई नहीं कर पाओगे किसी कारण से, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं फ्राइडे है तो तुम्हारा वो लेक्चर वहां रिकॉर्ड होगा, तुम वहां से तुम हेल्प ले लेना, देखो जेन्युइन को कारण है तब तो कोई बात नहीं है, हम मेरा हम तुमसे इतना ही बार बार तुमको समझाते हैं कि अननेसेसरी क्लास मिस मत करो, ठीक है, मानते रिकॉर्डेड लेक्चर है वहां पे, अरे यहाँ तो कुछ डाउट होगा तो तुम कैसे तुम पूछ लेते हो, वहां तो मतलब पूछने का तो कोई ऑप्शन नहीं है कि है वहां पे, यहाँ कुछ डाउट होगा तो तुम बोलते हो सर यहाँ क्लियर नहीं है, या कोई वॉइस ब्रेक कर रहा है तो पूछ लेते हो सर यहाँ वॉइस ब्रेक कर रहा है, फिर से रिपीट कर देते हैं, अब यहाँ वॉइस ब्रेक करेगा तो वो रिकॉर्डिंग तो तुम्हारा वॉइस ब्रेक वाला ही होगा,
वहां तो तुम फिर कंफ्यूजन, दिमाग में कोई कंफ्यूजन चल गया ना तो फिर तो हमेशा तुम्हारे पूरे लेक्चर में तुम कंफ्यूज रहोगे। इसीलिए सर कल कल ले लीजिए क्लास 2 बजे से। तो आज कुछ नहीं, क्या है ना मैंने के अभी थोड़ा हीट ट्रांसफर कर ही चुकी, उसमें भी सिलेबस जो है ना जिस तरह तो हम इधर लेके चल रहे हैं तो सब तरफ उसी तरीके से हम मतलब मेरा मतलब उसका भी ऐसे चल रहा है वहाँ भी, कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि समय कम है तो बहुत रफ्तार में निकल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि कल जो है ना उसका सेकेंड हाफ में हीट ट्रांसफर का वो रहेगा, टाइम जो है ना बहुत ही मतलब क्योंकि सबके लिए, चूंकि अब 2 तारीख से फिर इलेक्शन ड्यूटी है, 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा तो प्रॉब्लम सबके लिए है। जैसे तुम्हारे लिए ट्रबल है तो जहाँ ट्रबल सेम ट्रबल वहाँ भी है, तो कल हम उसको टाइम दे चुके हैं सेकेंड हाफ में। तो आज को आज क्या दिक्कत है, आज तो बस वही है ना कुछ लोगों को करना है, मतलब कुछ फ्राइडे व्राइडे है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा लेक्चर रिकॉर्ड रहेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ दिक्कत होगी तो फिर हमसे तुम कॉन्टेक्ट कर लेना, क्या बोलो ठीक है? ओके सर। हाँ कोई कोई इशू नहीं है, ये सिर्फ यदि वो तुम्हारे जैसे तुम उसको रिविजन कर लोगे तो ये नोजल वोजल जो है ना एक बार वीडियो लेक्चर देखोगे हमारा सब क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये क्रिस्टल क्लियर हो गया तो समझ लो कि इस पे एक न्यूमेरिकल तो कन्वेंशनल में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, सिविल सर्विस में देखो, इंजीनियरिंग सर्विस में जाओगे, गेट में देखोगे तो इस नोजल वोजल से क्वेश्चन रहता है, खूब काफी क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन पार्ट हो गया तुम्हारा, ये अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का चीज है। तो हम लोग एप्लीकेशन पार्ट में जब तुम पावर प्लांट पढ़ोगे ना तो तुम हम हायर सेमेस्टर में जाओगे तो पावर प्लांट एक पेपर आएगा, तो पावर प्लांट को तुम देखोगे कंप्रेसर होगा, टर्बाइन होगा, नोजल होता है ना, यही सब चीज़ है पावर प्लांट में आता है। तो कहने का मतलब कि ये एडवांस रूप में तुम्हारे सामने आएगा, इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, अभी तुम कंप्रेसर के बारे में पढ़ोगे लेकिन ये कहाँ यूटिलाइज होता है, तो देखोगे कि भाई कंप्रेसर का यूज तुम देखोगे कि तुम रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग पढ़ोगे तो तुम रेफ्रिजरेटर में तुम देखते हो वहाँ कंप्रेसर यूज होता है, तो तुम देखोगे कि वहाँ पर होता है। फिर तुम जब गैस टर्बाइन पढ़ोगे तो गैस टर्बाइन में तुम देखोगे कंप्रेसर यूज होता है, ऐसे करके। तो कहने मतलब ये सब नोजल है तो तुम देखोगे नोजल कहाँ यूज होता है, तुम देखोगे जब जो तुम्हारा तो इसका एप्लीकेशन अलग अलग मैकेनिकल कंपोनेंट में होता है, जैसे तुम्हारा एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट हो तुम्हारा नोजल का यूज होता है ना, तो नोजल का काम क्या होता है मतलब बहुत हाई वेलोसिटी से इंक्रीज पेज वेलोसिटी जो भी होता है ना उससे कई गुना स्पीड में नोजल क्या करता है वेलोसिटी को बढ़ा देता है। कैसे तुम देखते हो फाइटर प्लेन देखते हो ना, फाइटर प्लेन देखे हो अभी तो काफी भारत चाइना के साथ चल रहा है, अभी तो न्यूज चैनल वाले से यही दिखा रहे हैं ऐसे करके ये फाइटर प्लेन है, वो है रफाल है तो ये है, मिग है तो कोई है। देखो तो फाइटर प्लेन का जो होता है ना जो उसमें जो पायलट बैठते हैं ना, तो पायलट जो होता है ना उसका उसके सीट में एक अरेंजमेंट होता है कि जैसे वो क्रैश कर रहा होता है ना एक बेल्ट को खींचता है, वो जैसे वो बेल्ट को खींचेगा वो कि सडनली क्या होता है ना उसका सीट के अंदर जो है इस तरह का प्रोविजन होता है कि उसमें एक रॉकेट की तरह सीट जो होता है ना उसमें ऊपर की तरफ पुश करता है, जैसे ऊपर की तरफ वो बहुत हाई वेलोसिटी से उसका सीट जो है ना हवा में वो है उछलता है, वो क्या होता है ऊपर का शीशा को तोड़ते हुए बाहर जो है फेंका जाता है, मतलब तो थ्रो हो जाता है वो। जैसे उसको पता चलेगा कि अब ये प्लेन क्रैश करने वाला है उसका, चूंकि फाइटर प्लेन है कोई उस पर हमला कर दिया ऐसा कुछ उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया वो क्रैश होने वाला है, तो सीधे उस बेल्ट को खींचता है, उसका पूरा सीट में के अंदर ये नोजल लगा होता है, सीट के अंदर क्या होता है वो नोजल होता है, उसमें नोजल क्या करता है ना बहुत हाई वेलोसिटी से उस सीट को बहुत उसको पुल करता है, एकदम पुश करता है, इतना जब स्पीड में पुश करता है कि बहुत तेजी से वो ऊपर ग्लास को तोड़ते हुए पूरा सीट ही उसका जो बाहर तरफ उसका फेंका जाता है जिससे वो अपने आप को बचा पाता है। इसके बाद उसमें तुम्हारा उसमें नोजल के साथ साथ उसमें जो पैराशूट भी लगा होता है, जैसे अब ऊपर में आप पता चला कि 1000-1000 फीट को उसका क्रैश करने वाला है तो सीधे सीट खींचेगा उसका उसका तुरंत उसका बाहर तरफ जाएगा, और जैसे बाहर तरफ जाएगा तो उस सीट में उसमें पैराशूट भी लगा होता है, तो बाहर जैसे बाहर तरफ जाएगा जैसे उसमें आएगा तो कुछ सेकंड बाद अपना पैराशूट को ऑन कर लेता है, तो वो अपना सेफली जो है कहीं अपना प्रोटेक्ट। तो कहने मतलब ये सब डिवाइस जो है ना तुम देखोगे बहुत सारा जो जो स्पेस में जो जाता है ना उसमें मतलब जो अल्लग अलग तरह का उसमें जो मिसाइल विसाइल को वहाँ से जो प्रोजेक्ट किया जाता है, एयरक्राफ्ट जो हम लोग यहाँ से लॉन्च करते हैं तो उसमें भी नोजल का अलग अलग नोजल उस तो कहने मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, तो हम लोग इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तुम्हारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें एक एक पेपर जो है ना अपने आप में समझ लो कि पढ़ोगे अच्छे से तो इतना इसमें इंटरेस्ट आएगा, इतना बढ़िया इंटरेस्टिंग पेपर है कि लेकिन पढ़ना पड़ेगा, उसको पढ़ाने वाला भी एक अच्छा चाहिए और पढ़ने वाला भी एक चाहिए, दोनों चीज की जरूरत है, दोनों का जो है ना दोनों मिल जाए फिर समझ लो ये सब्जेक्ट को भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एवरी पेपर हैज ह्यूज इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्टिंग पेपर है कि तुम घुस जाओगे तो तुमको होता है ना रात की नींद जो है ना वो तुम्हारा वो नहीं मतलब तुम्हारा नींद में ऐसा चीज आएगा तुम सोचोगे तुमको सोने नहीं देगा ऐसा पेपर है। चलो ठीक है हम लोग फिर से मतलब
दो बजे आओ, है ना, 2 बजे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अटेंडेंस सर बन जाएगा, कोई बात नहीं, 29 है ना, 29 लड़के हैं। 1 मिनट, चलो उसको मिल लिए, के अकॉर्डिंगली हमारे पास है रिकॉर्ड है उसमें, उसको मिल लिए, ठीक है, ओके। हाँ, ओके सर, ओके सर, 2 बजे आ जाओ, 2 बजे से हम लोग इसको 2 सवा तो वो लिंक भेजेंगे, तैयार रहना जल्दी से, जैसे लिंक भेजेंगे ना 10 10 मिनट के अंदर ज्वाइन कर लेंगे, ज़्यादा समय वहाँ के लिए, ओके सर, ओके सर। ओके सर।